नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर जा रहे हैं तो हम लोग आज लेने वाले हैं सीपीयू, मतलब पीसी। हम लेने वाले हैं पीसी, और हम आज तक मोबाइल से वीडियो एडिट कर रहे थे, लेकिन आज से मतलब अब ले लेंगे तो मतलब कंप्यूटर पर मैं भी वीडियो एडिट करेंगे। फिल्मोरा के लिए हम भी ले रहे हैं पीसी। लैपटॉप लेने वाले थे लेकिन लैपटॉप कैंसिल कर दिए, लैपटॉप भी उतना ही पैसा लगेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो हमें पीसी ले लेंगे। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं मतलब गोरखपुर, और गोरखपुर का सीन दिखाएंगे, और कहाँ से हम पीसी खरीद रहे हैं वहाँ से वहाँ का भी सीन हम आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं गोरखपुर यूनाइटेड टाकी के पास, और इसी के जस्ट सामने ही मार्केट। तो दोस्तों, हम लोग साई मार्केट से लेने वाले हैं। उससे पहले हम बाइक यहाँ पर खड़ा करते हैं। यहाँ पर बाइक खड़ा करने के लिए हमको 10 रुपया लगता है, 10 रुपया रहेगा आपको बाइक खड़ा करने के लिए। अगर आप सवेरे आते हैं मतलब सुबह का टाइम में आते हैं तो आपको आगे साइड में जिधर साई मार्केट है उधर आप खड़ा करेंगे तो मतलब पैसा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ले चुका हूँ टोकन, आप देख सकते हैं 2 टोकन मिला है, एक बाइक में लगाने के लिए और एक पास में रखने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, हम लोग बाइक खड़ा कर दिए और हम लोग चलेंगे शोरूम में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, हम आपको सीन दिखाते हैं। आसुस का हम सीपीयू लेने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साई मार्केट गोरखपुर, जो कि यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का पार्ट चाहिए, जो भी लैपटॉप का पार्ट चाहिए, आपको इस साई मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं आसुस शोरूम में। साई मार्केट अरे चलो, मार्केट में सबसे महंगा सीपीयू ही है। ये वाह, हम सब नहीं ताके दोस्तों, फिलहाल मैं घर आ चुका हूं अपना सीपीयू लेकर गोरखपुर साई मार्केट से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों, देख लीजिए ये सीपीयू अभी अनबॉक्सिंग। हाँ तो दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग आएगा हमारे टेक चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो में आप ज़रूर जाकर टेक चैनल पर आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं टेक चैनल पर डालता हूँ।